नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज की तमाम खबरों के साथ, कल लखनऊ के इंदिरा नगर में बुलडोजर बाबा की रैली निकाली गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सरकार संदेश दे रही है, अपना काम दिखा रही है कि इसी बुलडोजर की वजह से कई ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कि ईद में हमारे बीसी विभाग के लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जगह जगह पर लगाई गई मस्जिदों पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद की मुबारकबाद हमारी तरफ से, वॉइस ऑफ टीम 24 मीडिया से। ड्यूटी लगाई गई, आप जरा सोचिए कि मतलब सरकार को यह पता है, अधिकारी को यह पता है कि इस ग्राम चौकीदार की अहमियत क्या है, लेकिन उसके बाद भी वेतन नहीं बढ़ रहा। कभी कारण जानते हो, इतने बार कारण बता चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग नहीं सुधरना चाहते तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। जब लोगों को एक सही मार्ग पर ले जाने का मैं प्रयास करता हूं तो हमेशा बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई कार्ड ज्यादा से ज्यादा बनवा लीजिए, पता नहीं आप अभी नहीं समझ रहे हो, आगे जरूर समझोगे कि यदि बना लेते तो आज फायदा होता। खैर कोई नहीं, लेकिन किस तरह से गांव का चौकीदार अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। उसके बावजूद भी सरकार इनकी नहीं सुनती है। आज ये कई सालों से लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, मुकदमाबाजी करते रहे, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा। काम के समय तो इनका काम दिखता है सरकार को, हाँ ये ग्राम चौकीदार ये कर सकता है, लेकिन उसका पैसा भी तो मिलना चाहिए। अभी एग्जाम वगैरह हुए थे तो वहां पर इन लोगों की ड्यूटी लगी थी। बताइए, काम करने के बावजूद भी अगर इन्हें अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और गांव के चौकीदार को भी सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि आप अपनी अहमियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, कि आपकी अहमियत क्या है। यदि आप अपनी अहमियत को पहचान लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसी दिन से गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। आप खुद सोचो ना, सरकार और अधिकारी आपकी अहमियत जानते हैं, लेकिन आप अपनी अहमियत खुद नहीं जानते हो, जिसकी वजह से आज आप इतना परेशान हो। तो इस पर मेरे प्यारे बंधुओं, आप मेहनत तो करते हो, पर मेहनत तब असफल हो जाती है जब आप खुद अपना दिमाग नहीं लगा पाते। मैं आपको सिर्फ समझाता हूं, मैं आपको रास्ता बताता हूं। दो चार बेवकूफ हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो व्यक्ति का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोबल नहीं गिरता है। आप लोग थोड़ा बहुत हमसे सीखिए, हमको तो इतना उल्टा सीधा लोग बोलते कहते हैं, तो मुझे कोई फर्क बोलो ना पड़ रहा है। मेरा जो काम है मैं वो काम करते जा रहा हूं, तो मैं वही आपके लिए काम कर रहा हूं। देखिए, विश्वास और भरोसे पे पूरी दुनिया चलती है। हमने आपको ठगा नहीं है कभी, हमने आपको लूटा नहीं है, हमने जब भी किया होगा तो आपके लिए काम किया है। कभी प्रयास नहीं किया कि आपसे ठग लिया हो, या किसी का भी हमने अगर कोई भी फोन करके कोई काम कराया होगा, कोई बता दे कि मैंने काम करने का कोई पैसा लिया है किसी से, फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता मेरे दोस्त। और चलते चलते एक बात और बोलूंगा कि जो आप लोगों ने कार्ड बनवाए, उन कार्ड से हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत बच पाया था पैसा, मैं बताया था ना 30-40 रुपए मेरे को बच रहा था, उसको मैंने सेव करके रखा था। और आप यकीन मानिए, वही आपका पैसा और अपने पास से लगा करके माता रानी के दरबार जा रहा हूं, कितना अच्छा होगा जरा सोचो आप। जब आपका थोड़ा पैसा उधर लगेगा, ऐसे तो आप लोग पहुंच नहीं पाओगे। माता से दुआ करूंगा कि आप लोग भी पहुंचे,
तो मैं वहां जाकर के उस पैसे को एक अच्छी जगह पे मैं डालना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपका पैसा ऐसी जगह लगे जहां पर ईश्वर को डायरेक्ट पहुंचे और आपकी जो मुराद हो वो माता रानी पूरी कर सके। अब बताइए यार, आपका पैसा कोई गंदी जगह नहीं जा रहा, आपके पैसे से हमने कोई कार नहीं खरीद ली, आपका जो भी पैसा हमारे पास बच रहा है 2-4, 5,000, 6,000 जो भी बच रहा है वो पैसा हम जाके मैया रानी के बीच में खर्च करेंगे और आपके लिए मन्नत मांगेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, ऊपर वाले से मां माता से बोलेंगे कि हमारे सभी भाइयों को जल्दी से जल्दी मैया बुलाए और इनकी जो ये दिक्कतें चल रही हैं इसको सदा पूरा करे जल्दी से जल्दी। मेरे भाई, कर्म अच्छा करते रहो ना तो सफलता झक मार के मिलती है ना। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा नहीं, आपसे जो भी मेरे को बच रहा है ना वो भी हम अच्छी जगह लगा रहे हैं, हम अपने हित में नहीं लगा रहे, ठीक भाई। इसलिए हमेशा याद रखना जीवन में, कभी भी 10 रुपए भी किसी को देना तो ऐसी जगह दो जहां पर आपका पैसा दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सके, खुद के लिए नहीं, तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बंद। और देखना माता रानी जरूर कृपा बरसाएगी, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। जा रहा हूँ, शुभकामनाएं देना, अच्छे से सफर कटे हमारा, पहुंचूंगा। और कभी ऐसा मौका रहा माता रानी का तो कभी आपके साथ भी घूमने का मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा विचार करा करिए, आप तो सोचा करिए कि हम आपका बुरा नहीं करते, हम आपका हमेशा अच्छा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।